लालची पापा। तो भाई ये सारा सामान आया है नितिन के लिए। Hey guys, good morning and स्वागत आप सभी का आप सभी चैनल फिट मंजीत व्लॉग्स पे। तो गाइज अभी उठ चुके हैं और आज का दिन जो भी होगा सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तय करवानी है क्या? आ जा फिर, दो मिनट लगने हैं अपने को। भाई धूप हो रही है बहुत ही प्यारी, आज मन कर रहा है वहां जाके बैठने का। इसको दो बार डांटा है मैंने क्योंकि बाहर भाग रहा था बार बार। जरा बादल आई, अब गुस्सा हो रहा है। आजा, आयो आयो बच्ची। अच्छा डांट दिया तो मेरे को मेरे पास नहीं आएगी, प्यार नहीं करेगी मुझसे। अच्छा मेरे पास आजा, अच्छा चल जाए ले बच्ची, बाहर नहीं जाना, बाहर कुत्ते है ना काट लेंगे ना, है ना? तो छोटी सी है, किसी को भेज देना बाहर। मैं नहीं जा रहा भाई, बहुत नहीं जल्दी खड़े हो। अरे मैं बड़ा हूँ घर का, कंबल में बैठ के कुछ नहीं होगा, बड़े पापा भी बड़े हैं। तो वो जवान है, बुढ़ा हो गया। खड़े हो जाओ। मैं नहीं जा रहा, तेरे को चीनी चाहिए ना? आप लाके दोगे? ये कौन सी इगोस्टिक बात हो गई भाई जतिन, देख रहा है? इगोस्टिक बात नहीं है, आप मुझे कंबल में घुसरा करो। अब मैं ऊपर जाके बैठू? मेहनत तेरे को बोला था वीडियो शूट कर ले फेसबुक के लिए, की तो दे। मैं अपना काम अपना फर्ज निभा रही हूं ना। तो ये भी तेरा फर्ज नहीं है? नहीं है। नहीं मैं कोई, अच्छा अपने आप से अपना फर्ज बनाओ। मेरा फर्ज है इस कम्बल में बैठे रहने का। मैं नहीं जा रहा भाई, इतनी ढीठ है मेरे को स्पेशली भेजे कि तुम ही जाओ दुकान से, तो मैं ही चीनी लेके आ रहा हूँ जतिन के साथ जाके। आ जाओ यार, जगह मुत्ता घूम रहा है गाँव में आके। अरे देसी नहीं है तू, आ जा ले पकड़। इस चीनी के लिए तुमने आज मेरे को इतनी दूर भेजा, पकड़ पकड़ अपनी चीनी और बना जाके कॉफी 10 ग्लास मेरे लिए, जा। मैं इसको खोल दूँ। हाँ खुल गया वो, ले। अरे रुक जाओ, मैं अपना बोझ उतारने चाहता हूँ। गंडा सा बेच दिया आपने, लालची पापा। अब वो यूज़ तो कहाँ था, नहीं यादगार रहता ना। ऐसा कैसे नया है वो, मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी चाहिए ना, मैं पुरानी चाहिए ना। ये देख पुराने सारे। तो इसका ये तो है, यहाँ पे पहले हमारे गंडासा होता था, अगर पुराने ब्लॉग में हमने दिखाया हो तो। गंडासा होता है जिससे भैंस का चारा काटते हैं क्या? पापा एक्सपर्ट बंदे यार, ऐसे बोल बोल के चलाए भाई। कल्पना सेक्सी बनाई है कॉफी, तो यार मजा आ गया तेरी कसम। स्टारबक्स फेल है। थैंक यू। पैसे चाहिए क्या? कितने रुपए लेगी कॉफी के? 350 शक्ल देखी अपनी। 350 स्टारबक्स में है ना, तो यहाँ पे तो 600 लगेंगे, बेस्ट है उससे। अच्छा और भी ज्यादा, सही है सही है भाई सही है। हाँ बताओ अब क्या बता रहे थे? मैं यहाँ से पहले सबसे पहले जब दिल्ली डेली पैसेज करता था ना तो साइकिल पे जाता था। अच्छा तो मैं गया हूँ एक हफ्ते, अंधेरा होता है साइकिल पे, कट वो हेडलाइट होती नहीं है। हाँ। तो एक मोड़ था मसी दन कच्चे उतर गिरा नहीं उतर गया। मेरी माँ को पता लगा कच्चे, उन्होंने अच्छा उन्होंने कल ही चल कल ही तेरे को बाइक दिलाती हूँ। अच्छा कल ही बाइक दिलाती। नेक्स्ट डे हम दिल्ली गए माँ के साथ और भाई से बिशन से बोला भाई इसको स्कूटर दे, स्कूटर होते। अच्छा बिशन ठीक है स्कूटर। हम तीसरे दिन स्कूटर लेके आ गए थे, मैंने स्कूटर अब चलाया नहीं था, तो सीधा सीख गए गुड़गांव तक तो बिसन आया। हाँ। क्योंकि वो भीड़ भाड़ होते ना। हाँ। आगे जब इतना जाम, अब तो बहुत ज्यादा भीड़। हाँ, उस टाइम तो खुला था। रोड था बिल्कुल। हाँ, 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 हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं लेके आ गया। क्या बात है, एक दिन मेरी माँ इतना प्यार करती थी मेरे से। माँ तो एक दिन बाद दूसरे दिन अभी चला भी स्कूटर लाऊंगा। हमें भी तो बहुत 20-20 रुपए देते थे उस टाइम। गरम नहीं पीना था यार, कच्चा दूध पीना था ना। वो तो थैंक यू सो मच, बट ठंडा पीने में मजा आता है मेरे को सबसे ज्यादा, कच्चा दूध है। क्या बना रहे हो आज मम्मी? प्याज की सब्जी बची थी अभी और गाजर मिर्च लाल। चलो साग भी, कोई कौन सा साग कह रहे हो मम्मी? ये खट्टा का साग होता है। ओ ये मेरे को देना भाई, खट्टे का साग। चलो डाल दो फिर खाना। कैसे खाते लस्सी की तरह या फिर? नहीं नहीं ये सब्जी की तरह, ये सब्जी की तरह ही खाया जाता है, जैसे कड़ी होती है उस टाइप से खट्टे का साग बोलते हैं। ये लो प्लाटो में बैठ के खा रहे हो आज तो, है खुद खाने का मजा। ये तो है धूप भी साथ साथ। और भाई शेरू भाई गम्मा तो सदा ही न्यारा शे मंजीत। ये तो है ही तो नहीं मान रहे थे, अदर पाव का बाजार रोटी खा ले को देख। तो भाई यहाँ पे आ चुका हमारा खाना, तो ये खट्टे के साग है, ये थोड़ी फैंसी सब्जी बाहर की हो गई और चटनी घी, तो मजे सब इसको खाते हैं। ये है भाई अपना देसी खाना, जैसे कि हर वीडियो में मैं दिखाता हूँ क्योंकि भाई अपने को है पसंद, तो अपन यही खाते हैं गांव में आके। निला दिया गया इसको नाली भाई, तू मेहमान ने आने तो सुंदर बन रही है, तो सुंदर बन रही है, बाल देखना। सही कर रहा है, क्या हुआ चलो क्यों तो बात करते ही हो जाओ। तो काम नहीं कराना भाई, तुम्हारा काम नहीं करवाना, क्योंकि दूल्हा एक बार बनता है। ये देखिए कैसे भर के लाए इसमें जुगाड़। अरे हो जाएगा हो जाएगा, जतिन बहुत ताकत है भाई, जतिन बॉडी बिल्डर है जतिन हमारा। ओ गिर जाओगे मोरी में, घनी ताकत दिखानी। ये तो मैंने देखा ही ना,
यमन गणेश सिलेंडर बस देखे जाकर जब कॉलेज तो आऊं जे एक बार है गैस खतरो बड़ी सी अगर पाग नीचे आ जा तो लेवर पास ला पैर ना मैं तची से जाओ पा जतिन भाई एक हेल्प कर दे मेरी एक बार पा यहां रख दे यो नीचे सिलेंडर रख तेरे पैर पे जरूर मैं मिलो ये अरे कहां से चिल्ला रहे हो कहां जा रहे हो नहीं जा रहा सिलेंडर थोड़े सिलेंडर उतरवा दो चलो भाई उठाओ चलो हां ये लाल लाल कर रहा है ये नष्ट आदि तन तो एक और वो करके दिखा दे बंदी थे भाई साहब मार दे बढ़िया चल बस बहुत होगी तो भाई अभी वहां से जो सामान आना था वो आ रहे हैं मैं और जतिन सारे मिलके उतारना पड़ेगा तो गाइस अभी अपन लोग आए हैं यहाँ पे समोसे और जलेबी लेने क्या हो गया हिसाब नहीं आता कैलकुलेट कह रहे 30 में कितने जोड़ेगी 170 हो जाए मैंने कहा 140 मैंने 130 जोड़े थे तो मेरा 130 बोलने का मतलब था वो तो मुझे क्या पता ये अपने दिमाग में घूमता रहता है ठीक है भाई तो भाई अभी वहां से तो आ गए हम घर आ गए हम तैयार व्यार हो गए ना बुआ को भी लेके आना है तो भी बुआ गांव चलते हैं तैयार होके और उनको लेके आते हैं घर पे तो भाई ये गांव है तुम्बाड़ी यहां पे हम आए हैं यहां पे पापा की तीनों बहनें रहती हैं एक जो बड़ी बुआ थी वो एक्सपायर होगी लेकिन हम बचपन में सारे यही खेलते थे बड़े मजा आते थे जब छुट्टियां होती थी ना तो हम यहीं पे आते थे टूटू क्यों बोल रही है अच्छा पहुंच गए मतलब अभी बेल्ट नहीं लगाई है इधर देखो इधर हां याद है तेरे को कैसे याद होगा तू छोटा सा था जब हम आए थे अब थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई तू और बर्थडे भी उधर ही मनेगा अब इसका बर्थडे बॉय मनाना है तेरा अच्छे से अब ठीक है चलो बाय कर दे वहां बाय कर रहा था मेरे को बाय कर हां बाय करता है ना वही तो कर दो टाटा बाय कर दो बाय बाय कर लव यू बी आज ही तो ऐसा है थोड़ा वो है ना तबीयत खराब चल रही है इसकी हां ये बहुत खुश हो जाते हैं ऐसे भाभी बाय ठीक ओके इस गांव में ना पापा भी जब छोटे थे तो आते थे पापा बताते थे ना वो छोटा था सब टेंपो में आते थे 3 रुपए भाड़ा होता था उस टाइम 2 या 3 रुपए ना मेरे से कोई भी भाड़ा नहीं लेता था क्यों नहीं मैं लाडला था इस गांव का अच्छा सब जानते थे ना तेरे पापा और उनके दोस्त थे सारे अच्छा पापा के दोस्त थे सारे ना लेते रहते क्या बात है तो गाइस फिलहाल पहुंच गए घर पे बुआ आ रही थी साथ तो बुआ भी आ गई है अभी घर चलते हैं डीजे वीजे आ गया उसको सेट करते हैं आ भाई ले आओ जल्दी जल्दी ले आओ तो भाई ये सारा सामान आया है नितिन के लिए तो ये देखिए ये पूरा भर गया है यहाँ पे भी है और अंदर के साइड भी है क्या हुआ नहीं सही लगाया था नहीं लगी ऑन नहीं हुआ तो था वो पापा ने हिलाया तो हुआ अच्छा